तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हैं गाइस। मैं चुका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भी अपना आज का रैंक पुशिंग का दूसरा दिन है, जो कि भाई बहुत ही खतरनाक तरीके वाला चल रहा है। अब मैं यहाँ पर घटका के पास उतरा था गाइस। अगर आप भी वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसी सोलो के कॉन्कर लोहे वाली वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप जल्दी से नीचे चलते। अब नीचे एक और बंदा उतरा था, इससे पहले वाले गेम में भी मैं इधर ही उतरा था, बट भाई उस वक्त इधर कोई नहीं उतरा था। बट अब यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ, यहाँ पर एक और बंदा उतर जाता। अब ये वाले बंदे के साथ फाइट देखना कैसे लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं जैसे ही नीचे आया ना, मैं हाथ ही लेट जाता और मेरे को मिल जाती है गन। मैं कहूँ भाई अब ये वाले बंदे के साथ तो ना बहुत ही बुरा सीन होने वाला है, तो मैं इधर ही वेट करता हूँ। तो भाई मैं लेट लेट के मैं थोड़ी आगे वाली साइड आया, तो ताकि भाई ये वाला बंदा जैसे ही ओपन में आएगा ना, ये वाले बंदे को मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बंदा आने लगता है ओपन में, भाई ये वाले बंदे का तो बहुत ही बुरे वाला सीन हो जाता है। इसको पता भी नहीं था कि भी मैं इधर आके कब आके लेट गया। और तो भाई आसपास वाले जितने भी घर थे ना, वो सारे लूट बांट के मैं जल्दी से आ जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ये था कि मेरे को एंड जोन में जाके बंदों से फाइट लेनी। यहाँ पर एक किल तो मेरे को मिल ही जाता है, तो मेरे को लगा कि क्यों ना अपने यही वाले कंपाउंड के अंदर होल्ड करते हैं, कोई भी बंदा आएगा भाई अपने ईजी फाइट ले लेंगे इधर। तो भाई मैं इधर ही रुकता हूँ, जब तक जोन मेरे पास रहेगा तब तक भाई मैं इधर ही बैठा रहता हूँ। जैसे ही जोन इधर से निकलेगा, मैं भी मेरी गाड़ी निकालूंगा और इधर से निकल जाऊंगा। गाइज अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, वीडियो को लाइक भाई जरूर कर देना, और तो और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप भी सोलो में कॉन्कर लगाना चाहते हो तो भाई मेरी वीडियो जरूर देखना, वो भाई बहुत ज़्यादा ईजी है सोलो में कॉन्कर। तो भाई जल्दी से जोन बन चुका था, तो जल्दी से इधर से निकलता भाई मैं ना, पूरे के पूरे दो जोन मैं इधर ही बैठा रहा, ना ही मैं कहीं रश करने गया और ना ही भाई मैं कोई पोजीशन लेने गया। मैं कुछ जब तक मैं जोन में हूँ तब तक मैं जोन के अंदर ही बैठा रहूँगा। तो अब जल्दी से जोन वाली साइड चलते हैं, जोन के अंदर जाके कोई ना कोई बढ़िया सा कंपाउंड अपने पकड़ते हैं। तो भाई जोन में तो आ जाते हैं अपने। देखो भाई जोन के बाहर है ना, इतने ज़्यादा बंदों के साथ मेरी फाइट होने वाली थी ना, आप भी देखो आपके साथ भी यही वाला सीन होता आएगा। बाहर बंदे भाई कंटिन्यू फायर देते रहते हैं, गाड़ी से उतारने या गाड़ी तोड़ने का ना सबसे ज़्यादा ट्राई वही लोग करते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर कंपाउंड में आया तो थोड़ा जोन के ना बिल्कुल किनारे पे था, मेरे को लगा मैं इधर ही वेट करता हूँ, क्योंकि भाई जोन थोड़ी सी आगे बनेगा तो भाई मैं मेरी बग्गी ले जाके जोन के अंदर इजी जा सकता हूँ। तो पुचिंकी वाली साइड बंदे देख रहा तो इतनी देर में ना मेरे को साइकिल की आवाज़ आती है। मैं कहूँ भाई ये वाले बंदे को क्या हो गया भाई, बिना सोचे समझे बिल्कुल ही आई रहा डायरेक्ट ही। तो सामने बंदों की फाइट हो रही होती है, उनकी लोकेशन तो मेरे को आती नहीं, बट ये साइकिल वाले को भाई मार के मजा ही आ गया, क्योंकि अगर इसको मैं ना मारता ना, ये वाला बंदा डायरेक्ट मेरे ऊपर पुश करने वाला था। तो भाई राइट के अंदर जो घर है ना भाई, वो वाला बंदा कार 98 चला रहा था। मैं को भाई तेरे को तो पीक मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला, बट भाई वो वाला बंदा मेरी गाड़ी तोड़ने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था। मैं को भाई इन ऐसे बंदों के ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे को ना, ऐसे बंदों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो बंदे सिर्फ और सिर्फ बंदे की गाड़ी तोड़ते हैं। बट भाई अपना इतना बढ़िया लक था ना ये वाले गेम में, तो गाड़ी तो मैं सेफ कर लेता हूँ, बट भाई जो जोन बना था वो अपने साथ ही बना था। मैं को भाई अब तो देखो इधर से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इधर ही वेट कर लेता हूँ। तो पुचिंकी में जो बंदा था वो मेरे ऊपर डायरेक्ट पुश कर देता है, तो भाई ये वाला बंदे ने ऊपर करने का ट्राई किया, मैं इधर ही वेट करता हूँ और ये वाले बंदे से फाइट लेता हूँ। तो भाई ये वाला बंदा तो भाई अंदर ही पुश करने लग गया था। मैं को भाई मैं भी फाइट लेने के लिए बैठा हूँ, वो जैसे ही आया उसको भाई बहुत ही शानदार वाला AKM से शॉट मारते और वो बंदा मर जाता है। तो भाई यहाँ पर ये वाली पेटी के ऊपर मैं स्मोक करता हूँ और ये वाली पेटी को लूटने का ट्राई करता हूँ। सामने दूर एक M24 वाला बंदा था भाई, लेफ्ट के अंदर कार 98 वाला बंदा और राइट के अंदर भाई M24 वाला बंदा। भाई ये दोनों बंदों ने ना भाई दिमाग खराब करके रख दिया था। तो भाई मेरे को ये हो गया था कि भाई अब बग्गी तो वेस्ट होगी भाई, क्योंकि अब मैं बग्गी को ना किधर भी खड़ा नहीं कर सकता, जिधर खड़ा करूँगा उधर भाई टूटने ही वाली है। तो भाई मैं वेट करता हूँ, मैं कहा भाई तूने जितनी बग्गी तोड़नी है तोड़ ले, मैं इधर ही बैठा हूँ क्योंकि भाई मैं जोन के अंदर ही सेफ हूँ। तो भाई वो M24 वाला मेरे ऊपर पुश कर देता है। मैं कह भाई ये क्या है भाई, ऐसे पागलों की तरह क्यों खेल रहे हो भाई, अगर तुम ऐसे ही खेलना है तो भाई ऐसे रैंक पुश तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पहले बंदा दूर से स्नाइपर कर रहा था, फिर इसने सोचा कि भाई वो वाला बंदा डैमेज है, हालांकि उसकी मेरे को एक गोली भी नहीं लगी थी, और ये वाले बंदे ने डायरेक्ट ही मेरे ऊपर पुश कर दिया था। तो भाई इसकी बग्गी हो जाती है अपनी, अब अपने वेट करते हैं भी जोन अगर अपने पास बनता है तभी अपने इधर बैठेंगे। अब जोन जा चुके हैं तो सामने जो शैक है ना, वो वाला शैक के ऊपर अपने जाके प्रॉपर भाई होल्ड कर सकते हैं। तो अब जल्दी से सामने वाले की बग्गी उठाते हैं और इधर से निकलते हैं। तो भाई जल्दी चलते हैं, सामने मैंने स्मोक कर दिया और भाई ये वाली बग्गी उठाती है। सामने वाला जो शैक है ना, वो वाला शैक मेरे को परफेक्ट लग रहा था, और तो और वो वाला जो शैक है ना वो प्रॉपर जोन के अंदर है।
तो राइट के अंदर जो पहाड़ी के ऊपर बंदे होंगे भाई उनको भी अपने हैंडल कर लेंगे, और सामने लगी थी शील्ड। मैं कहूँ भाई यहाँ पर प्रॉपर सेट है, बट अगर कोई बंदा अपने को ग्रेनेड वगैरह करेगा ना उससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो मैं इधर ही वेट करता हूँ जोन बनने तक का। तो भाई यहाँ पर जोन तो बन जाता है, सामने जो शील्ड लगी हुई थी मेरे को लगा कि वो वाले बंदे को मैं इजी मार सकता हूँ, बट भाई वो वाला बंदा स्मोक करता है उसके बाद भाई निकलता है। मैं कहूँ भाई देखो सारे के सारे बंदे ना स्मोक कर करके निकल रहे थे, और जो जोन के अंदर थे वो भी भाई स्मोक करके इजी बैठे थे। जैसे ही बाहर निकलता हूँ एक बग्गी आती है, तो भाई ये बग्गी वाले को लगती नहीं, और लेफ्ट के अंदर भी मेरे को लगा ये वाले मारने को ट्राई करूँ, बट भाई ये वाला बग्गी भी निकल जाता है। तो भाई अपने भी जोन में निकलते हैं भाई। अब जो मज़ा आने वाला है ना एंड जोन का, लगभग सारे के सारे बंदे भाई गाड़ियां ले लेके घूमते हैं भाई। कम से कम एक या दो ही बंदे जो कि वे पोजीशन ले लेके बैठे थे। देख भाई यहाँ पर जीप लेफ्ट के अंदर दो से तीन बग्गियाँ और तो, और मेरी भी बग्गी भाई, हम सारे के सारे ना गाड़ी लेके ही घूम रहे थे। मैं को भाई यहाँ पर है ना और कुछ नहीं कर सकते, लेफ्ट के अंदर एक स्मोक होता है, मैं को भाई क्यों ना अपने वो स्मोक के पास चलते हैं। और ये वाला बग्गी ना मेरे अंदर ठोकने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था, तो लेफ्ट के अंदर जो स्मोक होता है मैं वहाँ पर मेरी बग्गी लेके जाता हूँ, वहाँ पर मुझे बंदा होना चाहिए, बट भाई उस चीज़ के लेना रिस्क है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई अपने काफ़ी देर तक इधर ही गाड़ी घुमाए, सामने स्मोक के पास आता हूँ। तो भाई ये वाले बंदे का तो बहुत ही बुरे वाला सीन हो जाता है भाई, ये वाला बंदा स्मोक के थोड़ा सा बाहर लेटा हुआ था। तो अब ये वाले बंदे को मारने के बाद एक और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मैं सोचूँ चल सामने एक और स्मोक है यहाँ पर मेरी गाड़ी लेके जाता हूँ। बट भाई ये वाला तो बंदा मरता नहीं, इसको मारने का ट्राई किया तो भाई पूरा ही मैं राइट वाली साइड आ जाता हूँ, और इतनी जल्दी मेरी हेल्थ जाती है, और तो और भाई जोन के अंदर ही मैं मर जाता हूँ। भाई ये वाला गेम है ना मैं प्रॉपर चिकन निकाल सकता। तो भाई उसके बाद में मेरा एक और गेम स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं भाई ये वाले गेम में तो भाई देखो अपने को चिकन निकालना ही निकालना है, क्योंकि भाई वो वाले गेम में ना अपने बहुत ही गंदे वाला मरते हैं। तो जल्दी से मैं इधर पास में उतर जाता हूँ। मैं भाई देखो सेवरनी दूर जाने की तो अपने को कोई जरूरत भी नहीं है, अपने काम करते हैं, अपने ना आसपास वाले घर लूट के गाड़ी लेके भाई बंदे मारने के लिए जा रहा होता है। इतनी देर में ना राइट के अंदर रोजोक से मेरे को फायरिंग आ जाती है। तो भाई रोजोक के अंदर है ना एक HG साहिल करके बंदा होता है, तो भाई ये वाले बंदे के साथ तो ना बहुत ही खतरनाक वाला IQ लगाते हैं, और भाई अपने ना बड़ी ही मुश्किल से बचते हैं। तो यहाँ पर मेरी बग्गी में फ्यूल भी कम था, तो जल्दी से भाई पुचिंकी वाली साइड निकलते हैं, क्योंकि भाई उधर अपनों को गाड़ी मिल सकती है। भाई सामने गाड़ी मिल जाती है तो सामने वाली गाड़ी उठाते हैं, और मैं भाई पूरा का पूरा वापस से पुचिंकी में जाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि पुचिंकी में एक से दो बंदे तो होंगे जिधर अपन को भाई उधर भी किल मिल सकते हैं। अब राइट वाले घर के अंदर मेरे को बंदा दिख जाता है, तो भाई जैसे ही जाता हूँ ना वहाँ पर मेरे को बग्गी भी दिख जाती है, और भाई विंडो के ऊपर बंदा भी दिख जाता है। तो भाई गाड़ी रोकते हैं। भाई अब जो दूर बंदा था ना उसके भाई दिक्कत थी, उसके पता नहीं भाई उसको मेरे को ही मारना था, भाई जो सामने वाला बंदा उसको तो वो मार नहीं रहा। तब ये सामने वाला बंदा भाई कमरे के अंदर आके बैठ जाता है, वो वाला बंदा जैसे ही ग्रेनेड करने का ट्राई करूंगा वैसे उसके ऊपर पुश कर दूंगा। मैं को भाई थोड़ा सा ना होल्ड करते हैं, एक दो सेकंड होने देते हैं ग्रेनेड के। हाँ जैसे उसने ग्रेनेड फेंका अब अपने करते हैं पुश। भाई ये वाले बंदे को मैंने स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया था, मैं को भाई ये मरा ही नहीं था। तब जल्दी से हील करते हैं, इसकी पेटी लूटते हैं, और ऊपर जाके देखते हैं वो सामने वाला बंदे को। भाई सामने वाली पेटी ना लूट के जस्ट मैं आया ही था, इतनी देर में एक और बग्गी मेरे ऊपर पुश कर देती है। तो भाई ये तो बंदा डायरेक्ट ही मेरे ऊपर आया था। मैं को भाई भाई ये बंदे ने तो बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, मेरे को पता था ये वाला बंदा ना इधर मोली करने का ट्राई करेगा। इतनी देर में मैं जैसे हील करके ना सीढ़ियों में जाके बैठ जाऊँगा। तो भाई जैसा कि मैंने सोचा था इस बंदे ने ऊपर मोली किया, अगर ये बंदा डायरेक्ट पुश करता ना तब मैं यहाँ पर मर सकता था, बट भाई अपने ने ये वाले बंदे को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिमाग लगा के मार दिया। तो भाई जोन बन जाता है, गाड़ी उठाते हैं भाई, इधर है ना बढ़िया दो किल मिल जाते हैं अपने को, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से बंदे ही ढूंढ रहा था बट बंदे तो कोई मिलते हैं नहीं। अब जल्दी से जोन में निकलते हैं, कोई ना कोई कंपाउंड पकड़ते हैं, और उधर ही अपने होल्ड करेंगे, और उधर से बंदे मारने का ट्राई करते हैं। तो भाई सामने 3-story में जा रहा होता हूँ, इतनी देर में उधर बग्गी आई थी, अब ये बग्गी वाले को देखना भाई, जबरदस्ती की फाइट लेनी है इसको। भाई तू जागे तेरा रैंक पुश कर भाई, होल्ड कर, जो करना है तू मेरे से फाइट क्यों ले रहा है। तो सामने वाला शैक मेरे को परफेक्ट लगता है, तो ये वाले शैक में आया तो और इधर ही मैं वेट कर लेता हूँ। भाई इतनी देर में आई थी बग्गी, तो ये बग्गी वाले को मारने का ट्राई करते हैं, बट भाई ये वाला बंदा ना थोड़ा पहाड़ियों के ऊपर था तो मेरे को थोड़ा दिखा नहीं। तो भाई जोन बन चुका था, जल्दी से गाड़ी उठाते हैं और इधर से निकलते हैं। लेफ्ट के अंदर एक शैक है, उसके अंदर मैंने पहले सोचा था डायरेक्ट पुश करूंगा, बट भाई वो वाला बंदा ना मुझे मारने लगता है। मैं को भाई क्या मतलब है, देखो भाई अगर उसको भी जोन में जाना है
तब मैं यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर रुक के मैंने सोचा इसकी ना गाड़ी तोड़ता, मैं कहा इसको ना इसने बेफालतू ही मेरे को मारा है ना, इसकी गाड़ी तोड़ता। बट भाई इधर ओपन था पूरा एरिया, तो किधर से ही मेरे को पड़ सकती थी। तो जल्दी से भाई कोई ना कोई शैक पकड़ने का ट्राई करते हैं। तो भाई मैं आया तो पूरे ओपन एरिया में, यहाँ पर मैं शैक ढूंढ रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक है ना HG साहिल करके ना बंदा था। तो भाई अब देखो ये वाली पेटी जो थी ना वो HG साहिल की थी, ये वाला बंदा ना भाई ग्रेनेड से मरा था। तो मैं को भाई मरा होगा कहीं ना कहीं, मैंने इस बंदे का किल फील्ड में नाम देखा। तो देखो पूरी की पूरी फ्रेश पेटी पड़ी है, जैसी पेटी खोली HG साहिल करके बंदे की आवाज़ है, मैं को भाई जल्दी से निकलो, ये वाला बंदा ग्रेनेड से मरा था। और तो भाई राइट के अंदर बंदा जो कैंप करके बैठा होता है ना, मैं को भाई इसी बंदे ने इस बंदे को ग्रेनेड किया आएगा। जल्दी से कवर में आता हूँ और इधर हील करने लग जाता हूँ। भाई इधर है ना एक बार के लिए तो ना भाई हाथ है ना पूरे कांप रहे थे, क्योंकि भाई पूरा ओपन एरिया था। मैं सोचा जल्दी से हील करते हैं, ड्रिंक तो भाई छोड़ो, जल्दी से बग्गी उठाओ और वो वाले बंदे को ना मारने का ट्राई करते हैं। तो भाई यहाँ पर ओपन में आ जाते हैं। अब वो वाला बंदा ना मुझे दिख जाता है लेटा हुआ, तो भाई जल्दी से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं। भाई ये वाला बंदा देखो क्या ही गंदा कैंप करके बैठा था ना, मतलब भाई कुछ नहीं बोल सकते, इसी बंदे ने ये वाले बंदे को भाई ग्रेनेड किया होगा। तो अपने इधर ही वेट करते हैं, बढ़िया लूट करते हैं। तो भाई शैक के पीछे वाली साइड एक बंदा आता है जो भी फायरिंग दे देगा मेरी गाड़ी तोड़ देता है। मैं को भाई इसको पता नहीं मेरे सामने भी एक और गाड़ी खड़ी और ये पीछे वाली गाड़ी को तोड़ रहा है। तो भाई ये वाले बंदे को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं यहाँ पर स्मोक कर देता हूँ, ताकि भाई ये वाला बंदा भाई कंफर्म है ना मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये वाले भाई जो बंदा यहाँ पर होल्ड करके बैठा था ये गाड़ी उसकी थी। तो यहाँ पर स्मोक करता हूँ, जैसी जोन बनता है भाई, जैसी जोन स्टार्ट होता है मैं मेरी गाड़ी निकालता हूँ और इधर से निकलता हूँ। पर जो सामने वाला बंदा था वो भाई मेरी गाड़ी का ना धुआं निकाल देता है। भाई देखो यहाँ पर है ना बहुत ही बड़ी मुश्किल से बचता हूँ मैं। एक तो भाई देखो गाड़ी फटी हुई है, जैसी जोन में आने का ट्राई करता हूँ मेरी गाड़ी पूरी पलट जाती है। मैं को भाई इससे अच्छा एक गाड़ी के नीचे आके दब के मरूंगा। जल्दी से भाई पैदल ही अपने को निकलना पड़ेगा। अब राइट लेफ्ट सारे बंदे देखने पड़ रहे थे, तो भाई मैं को भाई इनको ना जाने देते हैं। अगर अपने इधर फायर देंगे ना अपनी भाई लोकेशन स्पॉट हो जाएगी। तो भाई पर अपनी किस्मत इतनी बढ़िया थी भाई ये वाले गेम में, सामने ना मेरे को बढ़िया कवर मिल जाता है। और तो भाई इधर आने के बाद मेरे पास शील्ड भी पड़ी थी, एक शील्ड इधर लगाते हैं और एक शील्ड लगाते हैं राइट में। तो भाई यहाँ पर बहुत ही शानदार वाला कवर अपने को मिल जाता है, और जो एंड तक का जोन है ना वो सारा का सारा अपने ऊपर ही बनने वाला है। तो भाई इधर ही वेट करते हैं और ऊपर है ना बंदे की फाइट हो जाती है। मैं को भाई ये वाला बंदा जाना भाई, इसके पास होती है AWM, क्योंकि आप दूर की रेंज है, दूर की रेंज मेरा कंफर्म है भाई यहाँ पर किल होना। तो भाई देखो ये वाले बंदे को बड़े थोड़ा सा लोकेशन दिया, अब ये वाला बंदा ना पूरा उकसाएगा मेरे को ओपन में आने के लिए। बट भाई मैं इस बंदे को बिल्कुल ही नहीं पीक देने वाला। और एक बंदा होता है राइट में, तो भाई मैं चाहता था राइट वाला बंदा लेफ्ट वाले को मार दे, ताकि मैं राइट वाले को मार दूँ, क्योंकि जो लेफ्ट वाला बंदा है ना भाई उसके पास है AWM। अब दूर की रेंज की वो फाइट बंदा लेने वाला था। तो भाई राइट लेफ्ट वाले दोनों बंदे मुझे सपोर्ट हो जाते हैं। राइट में जैसे बंदा ओपन में आता है, तो भाई जैसा कि मैं चाहता था राइट वाला बंदा लेफ्ट वाले बंदे को मार दे, और वैसे ही वो सामने वाला बंदा भाई बहुत ही गंदा फंसा हुआ है। बट उसके पास शील्ड वगैरह सारा कुछ है, तो मैं मेरी हील वगैरह कर लेता हूँ। तो भाई जोन स्टार्ट होने वाला था, वो वाला बंदा भाई मेरी लेफ्ट वाली जो शील्ड होती है वो तोड़ देता है। जैसे ही जोन स्टार्ट होगा वो वाला बंदा भाई पूरा का पूरा ओपन में आता है और वो भाई शील्ड यूज़ कर लेता है। तब इसकी भाई एंड जोन वाली फाइट देखना, यहाँ पर इस बंदे ने शील्ड लगा ली, बट भाई ये जोन के बाहर इस बंदे ने शील्ड लगाई है। तो भाई जैसे ही ओपन में आता है अपने इसको भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से मार देता, और ये वाला गेम का चिकन अपने निकाल लेते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको भी सोलो में कॉन्कर लगाना है तो भाई मेरी वीडियो जरूर देखना, भाई बहुत ज़्यादा इजी कॉन्कर लग जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।